हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल निशा की रसोई। अभी 19 अगस्त को जन्माष्टमी का फेस्टिवल आ रहा है और जन्माष्टमी के लिए हम लोग सभी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आप सभी भी बहुत एक्साइटेड होंगे, ये होप करती हूँ। और जन्माष्टमी के दिन हम लोग काफ़ी कुछ प्लान करते हैं। हम जन्माष्टमी के दिन हम ये लोग सोचते हैं कि कृष्णा जी का जन्मदिन है, हम क्या क्या कर सकते हैं। हम उस दिन मंदिर को अच्छे से साफ़ करके डेकोरेशन करते हैं, कान्हा जी का झूला बनाते हैं, अच्छे से उसको डेकोरेट करते हैं, उनको नए नए कपड़े पहनाते हैं, उनका अभिषेक भी करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनका भोग। हम उनके लिए जो भोग बनाते हैं उसमें हम लोग माखन, मिश्री और धनिया का प्रसाद तो लगाते ही हैं। लेकिन अगर हम 56 भोग के लिए सोचें तो हम सोचते हैं कि 56 भोग ठीक है, 56 भोग के लिए हमारा मन बहुत करता है कि हम 56 भोग बनाएं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न सबके सामने ये होता है कि 56 भोग हम बना तो लेंगे, लेकिन हमारे लिए ये सोच पड़ जाती है कि हम उसमें क्या बनाएं। क्योंकि हमें बनाना इजी लगता है, लेकिन हमें ये सोच पड़ जाती है कि हम क्या बनाएंगे, 56 आइटम्स ऐसे क्या होगी कि जो हम बना सकेंगे। तो आज मैं आपके साथ में वही शेयर करूंगी कि हम 56 आइटम्स को किस टाइप से डिवाइड करके कैसे उसको बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लीजिए कि अगर आप एक राइस को बॉईल कर लीजिए तो आप एक साथ एक क्वांटिटी में राइस बना लीजिए और आप उसको डिफरेंट वैरायटीज़ में आप राइस को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने अगर लेमन राइस बना सकते हो, आप उसमें टैमरिंड राइस बना सकते हो, कैरेट का राइस बना सकते हो, आप पालक का राइस बना सकते हो, कोरिएंडर लीव से आप राइस बना सकते हो, पीस का, ग्रीन पीस का बना सकते हो, मीठा चावल उसमें से बना सकते हो, आप लेमन राइस बना सकते हो और उसमें आप पुलाव कर सकते हो और फ्राइड राइस कर सकते हो। तो इस टाइप से आप अगर उसको डिवाइड करोगे तो आपका 10 वैरायटी का राइस तो कंपलसरी बन जाएगा, डेफिनेट है कि आप 10 टाइप का राइस उसमें बना सकते हो। फिर आप नेक्स्ट हम लेते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में देखिए मार्केट में काफ़ी कुछ अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर फ्रूट्स के, फ्रेश फ्रूट्स। तो उसमें आप केला, सेब, संतरा, चीकू, उसके बाद में वाटरमेलन है, मस्क मेलन मिल रहा है, कीवी आ रहा है और ग्रेप्स मिलते हैं, ब्लैक मिल जाते हैं, ग्रीन अभी शायद नहीं अवेलेबल होगा पर ब्लैक ग्रेप्स मिल जाते हैं, चेरीज मिलती है और पियर्स मिलते हैं, नाशपाती और ड्रैगन फ्रूट है। तो इस टाइप से आप जो भी आपके पास में मार्केट में अवेलेबल हो आप वो सारा फ्रूट्स भी ला सकते हैं। उसके बाद आप जूसेस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अब आपने फ्रूट्स लाए हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका हम जूस बना सकते हैं, तो आप उनका सबका जूस बना ले सकते हैं। जैसे एप्पल जूस हम बना सकते हैं, वाटरमेलन का बना सकते हैं, मस्क मेलन का, खरबूजे का बना सकते हैं, इस टाइप से। फिर आप गन्ने का जूस लेके आ सकते हैं, लस्सी, बटर मिल्क बना सकते हैं, मीठी लस्सी बना सकते हैं और उसके बाद में आप पोमोग्रेनेट वो भी आप फ्रूट में रख सकते हैं और उसका आप जूस भी बना सकते हैं। तो इस टाइप से आपके जूसेस बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं ड्राई फ्रूट्स पे। ड्राई फ्रूट्स तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, शायद कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स तो ऐसे भी हैं कि जिनके हमें नाम भी नहीं पता, लेकिन अगर आप मार्केट में जाओ तो आपको बहुत सारी वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मेन जो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे काजू हो गया, किशमिश हो गया, वॉलनट्स है, अखरोट है और पिस्ता है, अंजीर है, कीवी है, कीवी मतलब आपको वो दूसरा सूखा हुआ मिलेगा, मखाना है, उसके बाद में आप और भी अभी मुझे जैसे नाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको बहुत सारे वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे मिल जाते हैं। खजूर है, ड्राई वाला खजूर भी आप ले सकते हैं और जो गीला वाला खजूर होता है वो भी आप भोग में लगा सकते हैं। तो इस टाइप से ये चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद हम लोग इसमें जैसे आप कॉर्न रख सकते हैं, ककम्बर रख सकते हैं, स्वीट कॉर्न जो आता है वो रख सकते हैं। और फिर अब हम आते हैं शेक्स के ऊपर, ठीक है। आप शेक्स है जैसे आप मिल्क शेक्स आप दो तीन टाइप का आराम से बना सकते हो। अगर आपके पास में जैसे मैंगो अवेलेबल है तो आप मैंगो शेक बना लीजिए और बनाना शेक बना सकते हैं। तो ये जो आइटम्स होती है जो हमको इमीडिएट बना के तभी मतलब लगानी है एक घंटे पहले, तो आप सेम डे इसको कर सकते हैं। और जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये आप पहले भी ला के रख सकते हो। इसके बाद हम लोग आते हैं पकौड़ों पे, फिटर्स। इसमें क्या होता है कि आप एक तरीके का बेसन घोल लीजिए,
उसमें आप जो मसाला वगैरह डाल के बनाना है, इसके बाद आप उसको अलग अलग तरीके से पकौड़े बना सकते हैं। आप बैंगन का पकौड़ा बना सकते हैं, आलू का, पनीर का, मिर्ची का, और मिक्स वेज करके बना सकते हैं सारी सब्जियां उसके अंदर मिला के, फिर पालक का बना सकते हैं और गोभी का। तो इस टाइप से जो भी आपके मतलब उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे जब हम बनाने का एक बार सोच लेते हैं ना और हम वो घोल वगैरह बनाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक आइडिया भी आ जाता है कि हाँ हम इस चीज़ का पकौड़ा इसमें हम बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप कम से कम 8 से 9 वेराइटी का पकौड़ा भी बना सके रख सकते हैं। उसके बाद में अब हम लोग आते हैं ड्राई स्नैक्स पे। अभी ये जो ड्राई स्नैक्स होते हैं ना, ये हम पहले भी बना के रेडी करके रख सकते हैं, तो इसलिए हमें लास्ट डे पे उसका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हम कैसे ड्राई स्नैक्स ख़राब नहीं होते हैं, तो आप मैदे के काफ़ी सारे आइटम्स बना सकते हो। आप लड्डू वगैरह बना सकते हो, नमक पारा, शक्कर पारा, चिवड़ा, भुजिया, गुजिया, और उसके बाद में आप जैसे बेसन का लड्डू है, बेसन की बर्फ़ी है, आप मखाने जैसे लेके आते हो ड्राई फ्रूट्स में, जब मखाने लाओगे तो आप मखाने को नमकीन भी बना सकते हो, आप उसको कैरमलाइज करके मीठे मखाने भी बना सकते हो। और फिर उसके बाद में हम लोग नारियल का लड्डू बना सकते हैं। आप फल्ली दाना लेके उसको आप उसकी चिक्की बना सकते हो, फल्ली दाने का लड्डू बना सकते हो। रवे का लड्डू है जैसे, तो आप रवे की बर्फ़ी थोड़ी सी बना सकते हो। इस टाइप से आप जो ड्राई स्नैक्स है ना, वो आप इजीली कम से कम 10 से 15 आइटम आप ड्राई स्नैक्स में बना सकते हो। अगर आप एक बार जैसे मैदे को घोल लिया, मैदे के आइटम्स बन गए, सूजी के आइटम्स बन गए, कुछ शक्कर वाली बना ली, कुछ गुड़ की मिक्स करके आप बना सकते हो, इस टाइप से आपकी वो आइटम्स बन जाएगी। और लास्ट डे हम भगवान को जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन हम भोग फ्रेश भी बनाते हैं। हाँ, इसके अंदर आपको माखन, मिश्री, दही और धनिया का प्रसाद जो कि भगवान जी को चढ़ता ही चढ़ता है, तो ये 5-6 आइटम वो बन जाती है। हम पान रख सकते हैं भगवान को, जैसे हम खाना खाने के बाद पान वान खाते हैं, वैसे हम पान का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। तो ये सारे आइटम, मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारे आइटम्स आपको बताई हैं। और लास्ट के दिन हम जब भोग बनाते हैं भगवान के लिए, तो उस दिन हम पूरी, 2-3 टाइप की आप सब्जी बना सकते हो, खीर बना सकते हो। हाँ, खीर के आइटम्स तो अभी रह ही गई है हमारी, हम खीर ये टाइप की भी बना सकते हैं। हम खीर में काफ़ी सारे आइटम्स बना के रख सकते हैं। जैसे आपने दूध बॉईल करने रख दिया, आप उसको डिवाइड कीजिए 2-4 जगह पे। जैसे आप साबूदाने की खीर बना सकते हो, चावल की खीर बना सकते हो, भगर की खीर बना सकते हो, और गाजर की इवन खीर बनती है, कद्दू की खीर बना सकते हो। तो इस टाइप से आप कोशिश कीजिए कि आप जितने टाइप की खीर, आपको थोड़ा भी उसका आइडिया हो तो आपको खीर बनाना तो वैसे भी बहुत ईजी आइटम चीज़ें हैं, तो आप उसमें से कम आप 8 से 9 वेराइटी की खीर आप बना सकते हो। तो ये आपके हो गया ये खीर का प्रसाद। और इन जब आइटम को आप बनाते हो, इसके लिए आपको ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप छोटी छोटी डिस्पोजेबल कटोरियाँ लेके आइए और वो कटोरियों में आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद रख सकते हो। और जो आप जूसेस और शेक्स वगैरह बनाओगे उसके लिए आप छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस लेके आ सकते हो। और इन सबको बनाने के बाद में जब हम भोग लगाते हैं भगवान का, उस टाइम पे आपको हर आइटम के अंदर आपको एक एक तुलसी का पत्र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृष्णा जी को तुलसी लगाए बगैर भोग अर्पण नहीं किया जाता, वो तुलसी का भोग ही वो स्वीकार करते हैं। और इसके बाद मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया और आप शायद सेटिस्फाइड हो, और मैं कोशिश करूँगी, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर एक बार कोशिश कीजिए कि आप इस टाइप से 56 भोग का प्रसाद लगा सकें, तो आप ज़रूर बनाइए। और अब मैं आपके साथ में 2 वीडियो और भी ऐसे हैं जो शेयर करूंगी, जिसमें आपको दिखेगा कि हम लोगों ने किस टाइप से 56 भोग रखा था और भगवान को भोग लगाया था। तो आई होप आप सबको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ होगा और आप लोगों को ये सुन के ईजी भी लगा होगा कि हाँ हम कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो चलो देखते हैं आगे के 2 वीडियो। हरे कृष्णा। खजूर, पाइन नट्स, किशमिश काले और सादे वाला, ये कैरमल आलमंड है, ये चिली काजू है, पिस्ता है, मक्खन है, ये चिक्की है, रवा लड्डू, मखाना कैरमल वाला है, खाजा है, ये गुड़ वाली पोहा है, ये भी मखाना है, ये बॉम्बे हलवा है, ये खर्जी काय बोलते हैं हम लोग, अभी भूल गई मैं, ये मुरमुरा वाला लड्डू है, यहाँ पे फल्ले, ग्रेप्स,
चीकू, कीवी, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, मौसम्बी, और इसका नाम इसको हम लोग चेपे काई बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है नाम वगैरह मुझे। ये आलू भुजिया है, ये चना दाल वाला काले चने वाला है, ये वेजिटेबल सैलेड है, ये चावल है, ये बीन्स सब्जी है, रसम है, पेपर पनीर है, और ये बूटा है, आइसक्रीम, और ये पान। हरे कृष्णा।